जी राइजिंग पाकिस्तान में रौनक लगने वाली है, इसलिए कि जहांगीर जानी साहब तशरीफ ले आए हैं एंग्री यंग मैन से लेके हैं जी, गुस्से वाला और मतलब हर वक्त अपनी बातों से और अपने एक्सप्रेशन से फायरिंग करने वाले से लेके एक रोमांटिक हीरो तक, पश्तो से लेके उर्दू तक, एक रेंज है एक्सप्रेशंस की और करियर की, फिल्म से लेके टीवी ड्रामे तक, थिएटर तक जहांगीर साहब ने पिछले 3-4 दिहाइयों से अपना लोहा मनवाया है काम का। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि आज रुशना और मेरे से गप के लिए आ गए हैं राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं तौसीफ भाई? आप ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मैं पीटीवी के किसी प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ एक ज़माने के बाद, और दूसरी जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप मेरे होस्ट हैं। थैंक यू। हमारी हमने भी मैंने आपको पता है मैंने जो नया पहला ड्रामा जिंदगी का किया था उसमें जहांगीर जानी साहब मारुख, और उसको बड़ा लोग याद करते हैं वैसे, बड़ा ज़बरदस्त आज तक। मैं एक असिस्टेंट थे उस ज़माने के, उनके पास वो मौजूद था VHS पे, तो मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की थी और बड़ी मिन्नतें की थी कि यार वो मुझे USB पे रिकॉर्ड करके दे दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो उसने मुझे दी और मैं कभी कभी देखता हूँ। वैसे किस दिन इकट्ठे बैठ के देखना है? नहीं, मैं आपको ला के दूंगा सर, मैं आपको गिफ्ट करूंगा। हम इकट्ठे जो है ना राइजिंग पाकिस्तान में देखेंगे उसका थोड़ा सा, एक छोटा सा क्लिप लेके। हाँ, ये भी वैसे बुरा आइडिया नहीं है। हाँ, मुझे पता होता तो मैं ले आता, लेकिन क्योंकि मैं आ रहा था बालाकोट से तो रुका आपके प्रोग्राम के लिए। अगर मैं लाहौर से आता तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा इंशाल्लाह लेके आऊँगा। जहांगीर साहब की आपको एक मजे की बात बताऊँ, क्योंकि मेरा पहला ड्रामा था तो मुझे एक्टिंग अभी भी कहाँ, लेकिन तब तो बिल्कुल ही, तो उसमें बाकी रोमांटिक रोल्स तो गाने वाने तो मैंने कर लिए नादिया के साथ, नादिया खान थी उसमें बहार बेगम। जब एक सीन आया जिसमें मैंने मरना था, मेरी डेथ थी, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। अब मैं कभी बाहर बेगम के पास जाऊं, कभी जहांगीर साहब के पास जाऊं, सजाद किश्वर कि जो मरना कैसे है, तो कोई मुझे कोई मशवरा नहीं दे। कोई फिर मुझे याद है जहांगीर साहब कहते हैं इधर साइड पे आओ, मुझे साइड पे लेके जाए, कहते हैं देखो, मैंने समझा कि बड़ा कोई जबरदस्त किस्म का ना फाइनल मेरा मसला हल होने वाला। कहते हैं तुमने लेटना और लेट के मर जाना। बस ये बहुत क्या समझाए आप, कैसे मरना है भाई? कहाँ से कहानी शुरू हुई, स्टेज से शुरू किया? जी सर, ये मैं जो था, मैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हूँ, थिएटर से शुरू किया एंड टेलीविजन से फिर फिल्म। तो ये कहानी बनती है तकरीबन 30-35 साल की। तो इस 30-35 साल में बहुत मुश्किलात आई, बेहद मुश्किलात आई, लेकिन ये था कि एक तैया था, एक ज़िद थी कि मुझे एक्टर बनना है। सो फिर हर मुश्किल को सहता गया, हर भूख को सहता गया, हर प्यास को सहता गया और चलता गया। तो आज वो कहानी सुनाएं जरा, जो आपने अपने अब्बा के 3 लाख रुपए। जी सर, उस ज़माने की बात है जब मैं अपने बचपन में था, तब 3 लाख की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। हम पठान अक्सर कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि तब 1000 का या 100 का जिक्र नहीं होता था, तब 20 का होता था। 20 रुपये को कहते थे दो शली बांदिमदास मकावागस्ता, शपक शली बांदिमदास मकावागस्ता, मतलब ये जो 20 के होते थे, 20 रुपये जो होते थे, ये बड़ी वैल्यू रखते थे उस ज़माने में। 100 कोई नहीं कहता था, 1000 कोई नहीं कहता था, 1000 या 100 वो इसमें ज़ुबान में बात करते थे। ये उस ज़माने की बात है जब मेरी उम्र शायद 15-16 साल थी या 14-15 साल थी। अच्छा, तब मैं घर से पैसे चुरा के लेके गया था, मतलब चोरी हुआ कि बाप को नहीं पता, और 3 लाख रुपये ले गया। तो उस ज़माने में 3 लाख रुपये में फिल्म कंप्लीट बन जाती थी विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर पे सेल किए हुए, लेकिन मैं क्योंकि नया था और मुझे मालूम नहीं था इतना, तो वो पैसा लोगों ने मुझसे खा लिया और मुझे 1 महीने में फारिग कर दिया। उस 1 महीने के बाद जो मुझ पर गुजरी वो मैं ना कभी भूल सकता हूँ। असल फिल्म उसके बाद शुरू हुई। और अब्बा जी ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं, अब्बा जी ने बस सिर्फ इतना कहा था, जब मैं चला गया था वापस पेशावर, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बेटा रकम बहुत बड़ी थी और तू मेरा लाडला था। मुझे डर रकम का नहीं था, मुझे डर ये था कि तुम्हें कोई कुछ ना कर ले। लेकिन उसके बाद फिर मैं वहाँ तो गया नहीं, पेशावर तो गया नहीं, मैं पिंडी में ही रह गया। और यहाँ मेरे 2 मामू थे जो रिलेटेड थे थिएटर से, तो उनके साथ मैं आया जाया करता था और वहीं से काम मिलना शुरू हुआ। सो डिफरेंट मीडियम्स पे आपने काम किया, थिएटर में, फिल्म में, ड्रामा में, ये सब एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, आपने सबसे ज़्यादा कौन सा इन्जॉय किया? मैंने सबसे ज़्यादा थिएटर इन्जॉय किया, लाइव प्रोग्राम, लाइव परफॉर्मेंस। हाँ, तो वो ज़्यादा इन्जॉय किया कि वहाँ आप गलती करते हो तो आपको डांट वहीं पड़ जाती है, आप अगर अच्छा काम करते हो तो दाद वहीं मिल जाती है, एप्रिसिएशन भी वहीं मिल रही है। हाँ, लोग सब कुछ, हाँ, वही फैसला हो जाता है। अच्छा जी, कंट्रोल रूम बता रहा है कि जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है आज का, तो हमने शुरू में ही आपका अनाउंस कर दिया था जी, तो ज्यादातर लोगों का सवाल आपसे यही आ रहा है कि आप
आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जैसे थे दिखने में विजुअली वैसे के वैसे हैं, तो इस मेंटेन करने का राज क्या है, इसके पीछे क्या? अच्छा, मैं तो ना चेहरे पे वो आसार आए हैं वक्त के, हाँ, थपेड़ों के, ये क्या चक्कर है? नहीं नहीं, असल में तोसी भाई और जिन्होंने भी ये सवाल किया है उनको मैं बताता चलूँ कि मैं बचपन से लेके आज तक, मतलब इसमें कोई वो करने वाली बात नहीं है, लेकिन आज तक ना मुझे किसी से जालसी फील हुई है, ना मेरे दिल में किसी के लिए कीना या बोझ है, ना मैं किसी से हसद करता हूँ, नो, कभी भी नहीं। एक कोई भी चीज़ के पीछे कभी उदास नहीं हुआ कि वो मुझसे गुम गई, बस गुम गई सो गुम गई, ये अल्लाह की मर्जी होगी, बस ओके जाने दो आगे चलो। तो मैंने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की। और फिर अगर मैं किसी को देखता हूँ अपने आप से बेहतर देखता हूँ, वो एक्टिंग में हो, वो इमारत में हो, वो किसी भी चीज़ में मुझसे बहुत बड़ा हो, तो मैं परवरदिगार से यही कहता हूँ कि या अल्लाह ये इसका नसीब इसको कर दे, मुझे इससे बेहतर बना दे। बहुत खूबसूरत। सो इसलिए शायद वो फिर चेहरे पे और आपके उस पे नहीं आती, चेहरे पे तो आपके अंदर की जो हसद होती है वो आ जाती है, वो पकड़ लेती है आपको। सो आप हसद ना रखें। बालों का भी पूछ रहे हैं लोग कि जी बाल, खवातीन पूछ रही होंगी बिलखसूस। कंट्रोल रूम बताएं जी, ज्यादा ये जो मैसेज आया है खातून, खातून का हो, यस ओके। कह रहे दो मैसेज हैं दोनों खवातीन के। अच्छा, ये बालों का राज क्या है? बालों का यही राज है कि आज तक इनको एक तो घाट घाट का पानी मिलता रहा, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर तो खैर काफ़ी मरतबा गए, लेकिन मुल्क के अंदर भी मैं कभी अपने घर में नहीं रहा, मतलब एक महीने में दो दिन गुजारता हूँ, बाकी टोटली आउटडोर रहता हूँ, कभी नारान, कागान, एबटाबाद, मानसरा, पिशावर, कराची, मुख्तलिफ जगहों पे। तो और शैम्पू अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे कोई भी मिल जाता है तो मैं धो लेता हूँ सर। ये फिर मेरा ख्याल है जहांगीर पे जीन्स का कमाल है, ये है ना मेरा ख्याल है, कोई ये नहीं कि जी फलाना तेल लगाएं या फलाना शैम्पू। मेरे वाले साहब भी अल्लाह जल्ला नसीब करे, जब वो अपने मतलब वो इंतकाल कर गए थे तब तक उनके इतने ही बाल थे। अच्छा, ये फिर इसका मतलब, हाँ, जबकि मेरा छोटा भाई है जो मुझसे छोटा है वो बिल्कुल गंजा है। अच्छा, वो बिल्कुल गंजा है। ओके, वो ननियाल पे चला गया होगा, वो ननियाल पे चला गया होगा, हाँ, वो मुझसे बड़ा लगता है। कोई मुझसे पूछते हैं मैं कहता हूँ ये छोटा भाई है, तू कहते हैं ये छोटा है या बड़ा है, मैं कहता हूँ नहीं छोटा है। आपने माशाल्लाह, जैसे मैं इब्तदाई में अर्ज कर रहा था जहांगीर भाई, आपने एक रोमांटिक हीरो से लेके एक बहुत ही खतरनाक नफरत करा देने वाले विलन तक की पूरी रेंज है जॉब की। पुरशफकत भाई भी आप बने हैं, और मतलब पुलिस वाले से लेके डाकू तक का ये जो पूरी रेंज है, ये आप जैसे अदाकार के पास कितने एक मटेरियल होता है जो निकालता जाता है निकालता है, ये ख़त्म नहीं होता। मैं आपको इसकी एक जो वो है कि वो मैं बता दूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा। मैं स्कूल नहीं गया, गई नहीं, गया ही नहीं सिरे से, मैं स्कूल गया ही नहीं सिरे से। तो पहले अफसोस होता था कि या अल्लाह मुझे इस तालीम की रोशनी से दूर क्यों रखा। फिर जब अपने इस करियर को देखता हूँ या किस्मत के फैसले को देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे परवरदिगार को ये मंजूर था कि तुझे एक ही काम के लिए बनाया है, सो तुमने वही करना है। अगर मैं पढ़ लिख जाता तो हो सकता है मैं कुछ और होता, मैं एक्टर ना होता। नहीं, लेकिन बगैर पढ़े लिखे फिर भी मतलब पढ़ तो उर्दू तो पढ़ लेते हैं ना? नहीं सर, नहीं, मैं सिर्फ अपना नाम लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो डायलॉग्स के स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते? मैं सुन के, जो मेरे प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो मेरे असिस्टेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, मैं सुनता हूँ और मुझे याद हो जाता है। बहुत बड़ी एबिलिटी है, क्योंकि मतलब मैं अगर खुद को भी बोलूँ तो मैं तो 6 बार पढ़ लूँ उसके बाद मुझे याद हो कोई चीज़, और सुने हुए तो ये मैं एक मरतबा खेल कर रहा था नजीब साहब, मुझे वैसे यकीन नहीं आ रहा। नहीं, आप यकीन कीजिए, मुझे लग रहा है ये प्रैंक हो रहा है हमारे साथ, और अभी जहांगीर साहब कहेंगे हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं, मैं इतनी ऑडियंस के सामने, और ये मैं बार बार कह चुका हूँ, अभी भी नहीं, बहुत पहले भी कह चुका हूँ, सबको मालूम भी है, सबको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी चंद दोस्त ऐसे हैं या चंद लोग ऐसे हैं जो मुझे मैसेज लिख के भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मैं हंस पड़ता हूँ। कभी ख्वाहिश हुई कि पढ़ते स्कूल जाते? होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस कमी को अब मैं अपने बच्चों में पूरा करता हूँ। मेरी बेटी है वो पढ़ी लिखी है, मेरा बेटा है वो मास्टर्स करने के लिए उनको इंग्लैंड भेजा था, वहाँ से हम बैरिस्टर बन के आए थे, तो सारी ख्वाहिश जितनी मेरी थी वो उनमें पूरी कर दी अल्लाह ने। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब ये बताएं कि कोई कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप समझते हैं कि अभी तश्नगी है कि यार ये वाला काम मैंने करना है, चाहे फिल्म में, चाहे पश्तो में, उर्दू में, कोई थिएटर में, कहीं भी कोई कोई एक चीज जो जैसे जैसे आपने गिरवा दिया तोसी भाई कि मैंने नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने ओल्ड यंग, मैंने कॉमेडी ट्रेजेडी, मैंने यहाँ तक कि मैंने ख्वाजा सरा का भी करेक्टर कर लिया। सो अब सारी रेंज पूरी हो गई, सारी पूरी हो गई, मतलब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि यार मैं फलां करेक्टर करूँ।
तो ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, जो भी मिल जाता है वो पहली बार आज भी जब मैं थिएटर करता हूँ, आप यकीन करें तो मेरी टांगें कांप रही होती, हालांकि मैं 30-35 साल से 40 साल से थिएटर करता आ रहा हूँ, मेरी फेवरेट है, लेकिन आज भी जब मैं थिएटर में जाता हूँ तो पहली एंट्री से पहले मेरी टांगें कांप रही होती। इसकी वजह कि नया है शायद मेरे लिए, नया है तो मैं उसको बेहतर करता हूँ। ये नहीं कि मैं कर चुका हूँ तो अब बेहतर नहीं होगा, बस ठीक है ओके करूँगा, नहीं नहीं, मेरे लिए हर बार नया होता है। कोई ऐसा किरदार जो कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं उसको दोबारा करूँ? मेरी, मुझे कॉमेडी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मतलब लोग कहते हैं आप ट्रेजेडी भी अच्छी कर लेते हो, आप विलन भी अच्छा कर लेते हो, ठीक है ओके वो उनको लगता होगा, लेकिन जो मुझे पर्सनली जो पसंद है वो कॉमेडी है, तो मुझे कॉमेडी करते हुए बहुत अच्छा लगता है। शाकिर उज़ैर साहब के साथ मैंने यहाँ काफ़ी खेल किए थे, कॉमेडी किए थे, मेरा फिर चाहता है कि मैं फिर कोई कॉमेडी कैरेक्टर करूँ। मुश्किल होती है कॉमेडी? कॉमेडी बहुत, रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल। हंसाने की जो मतलब उसकी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है उस डायलॉग की, कि आपने किसको कहाँ तक बोलना है और किस फिक्रे को कहाँ लगाना है, क्या करना है, उसको थ्रो करने की क्या है, उसमें एक्सप्रेशन बहुत होते हैं, वॉइस एक्सप्रेशन या उसके वॉइस कंट्रोल जो होती है वो कॉमेडी में बहुत ज़रूरी होती है, तो कॉमेडी ज़्यादा सख्त है बनिस्बत ट्रेजेडी के। जब आपने करियर शुरू किया तो उस ज़माने में बड़े बड़े कॉमेडी के अंदर नाम, बहुत फिल्म के अंदर भी देखें, रंगीला साहब से लेके लहरी साहब तक, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, मतलब क्या एक से बढ़ के एक, फिर टेलीविजन के एक्टर्स में आ जाएं तो फिर तो बड़ी लाइन ही लग जाती है। आपका फेवरेट कॉमेडी एक्टर फिल्म के हवाले से कौन रहा? लहरी, लहरी साहब, मोहतरम लहरी साहब मेरे फेवरेट थे, वो आज भी मेरे फेवरेट है। क्या टाइमिंग है और मैंने फिक्रा बनाना उनसे सीखा, फिक्रा कैसे मतलब स्ट्रेसेस पॉजेस कॉमेडी के जुमले के जो स्ट्रेसेस पॉजेस होते हैं वो मैंने उनसे सीखा कि किस तरह आपको एक फिक्रे को बोलना है कि वो लगे उसको वही कि जी मैंने ये पूछा था ये जवाब यही दे रहा है, लेकिन बेसिक वो हो कुछ और लग जाए उसको। ट्रू। जहांगीर भाई, अब इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है जी, इस वक्त बहुत से इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं, बड़ा मजेदार काम अपने अंदाज, बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपकी टेक सुनना चाह रहा हूँ कि आप वो जो कॉमेडी इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है, जो टिकटॉकर्स जो कॉमेडी कर रहे हैं, वो कैसी आपको अच्छी लगती है, कोई आपका कंसर्न? नहीं, टिकटॉकर बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ड्यूरेशन में और हमारी ड्यूरेशन में बहुत फर्क था। अच्छा, मतलब चंद सेकंड की बात करना आसान है, लेकिन उसी बात को आप घंटों में ले जाओगे तो वो रियाजत उसकी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए कितना गैप है कि आप 10 सेकंड या 15 सेकंड की एक वीडियो बनाते हैं और कहां आप घंटे का डेढ़ घंटे का ड्रामा बनाते हैं और उसका तसलसल, फिर उसकी कंटिन्यूटी, फिर उसका मूड, हर चीज को कैरी करना एंड तक, बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि टिकटॉकर जो है वो गलत कर रहे हैं, नहीं, वो जस्ट गुड, वो जितना करते हैं वो बेहतर करते हैं, लेकिन हम जो करते थे वो बड़ा मुश्किल होता था, वो मुश्किल होता था। उर्दू मूवीज में भी आपने काम किया, फिर बेसिक पॉपुलैरिटी जो है मुझे लगता है कि आपकी पश्तो मूवीज से, वो तो एक स्टैंप ही हो गया ना मुझ पे, स्टैंप हो गया, क्योंकि मेरी पश्तो जुबान है और मैं जो पश्तो बोलता हूँ शायद वो ज़्यादा लोगों की समझ में आती है। इसकी एक मेन वजह ये थी कि एक तो थिएटर, दूसरा फिर टेलीविजन, पीटीवी, पीटीवी मेरा उस्ताद रहा, जैसे मैंने कहा कि मैंने तालीम हासिल नहीं की, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों में उठा बैठा या जिनके साथ काम किया या जिनके अंडर काम किया या जिन्होंने सिखाया, वो कमाल के लोग थे, वो मास्टर थे सब, वो माहिर थे सब। सो उनके साए में जो मेरी ग्रोथ है या जो मेरे फन है वो पला और वो जवान हुआ। ये उर्दू का तलफ्फुज़ और लहजा इतना शुस्ता, इस पे कैसे काम किया, क्योंकि आपकी मादरी जबान तो हुई आप वाली बात पश्तो, और 15-18 साल जिंदगी के तो बिल्कुल सिर्फ घर में पश्तो और जी बिल्कुल स्कूल तो आप गए नहीं कि उर्दू, तो ये उर्दू को पॉलिश कैसे किया? मैं बचपन में मूवीज देखा करता था। अच्छा, ओके, मतलब गैर मुल्की, इंडिया की भी, पाकिस्तान की भी मूवीज देखता था, तो किसी भी एक्टर को उसकी टेम्पो को, उसकी डिलीवरी को मैं कॉपी करता था। अच्छा, अब जब कॉपी करता था तो मुझे सब कुछ कॉपी करना पड़ता था, उजीर दबर पेश, वो सारी इसलिए सीधी हो गई उर्दू की, तलफ्फुज़ भी वहीं, तलफ्फुज़ भी, सारा कुछ वहीं से हासिल हुआ, वहीं से लिया। फिर जब मैं यहाँ आया, टेलीविजन में आया, तो थिएटर पर आया, तो फिर वहाँ बोलनी पड़ी, वहाँ बोलनी पड़ी, और मैं इतनी स्पीड से उर्दू बोलता था कि लोग मुझे कहते थे कि यार थोड़ा आहिस्ता बोलो, मतलब वो इतने एक सेकंड में आप जुमले सारे ख़त्म कर देते हो, तो ड्यूरेशन बहुत है, आप जुमले को जितनी जल्दी ख़त्म ना करो, मतलब मेरी ये आदत बन गई थी। तो मुझे उर्दू ज़ुबान बहुत मज़े की लगती है, और मैं शुरू से बचपन से, मतलब मैं पेशावर में रहा, मैंने हिंद को नहीं सीखी, जबकि मैंने ड्रामा हिंद को किया था, मैंने हिंद को नहीं सीखी, वहाँ मैं उर्दू बोलता था,
मैं पिंडी आया, मैंने पोठवारी नहीं सीखी, उम्र पिंडी में गुजारी मैंने, मैंने पोठवारी नहीं सीखी, मैं उर्दू ही बोलता था। अब लाहौर में जब लाहौर गए, जब इंडस्ट्री में गए, तो जब इंडस्ट्री में गया तो वहाँ फिर दोनों ज़ुबानें छूट गई, मैं पश्तो का होकर रह गया। एग्जैक्टली मैं पश्तो एक फिल्म करने के लिए गया था लाहौर, फिर फिल्म के बीच दूसरी फिल्म मिली, तीसरी मिली, फिर 20 साल लगे मुझे वहाँ पर और बहुत बेशुमार फिल्में। फिर वहाँ फिर अब तकरीबन एक आधी फिल्म होगी जिसमें जहांगीर जानी नहीं होगा, अदरवाइज वाह वाह वो जरूर। क्योंकि मैं जब देखती हूँ अक्सर ही मेरे घर में जो मूवीज या ड्रामास लगे होते थे तो इन्हीं के लगे होते थे और मेरी अम्मी बैठ के देख रही होती थी, हाँ, कहती थी ये देखे ये उस कैरेक्टर में भी था, ये इस कैरेक्टर में भी थे, तो बस बल्कि वो बहुत ना से बड़ी लोग वो जो बहुत सी चीजों का जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं तुम्हारी वजह से। एग्जैक्टली, क्योंकि आप वो किरदार मेरे किरदार को कॉपी करते हैं, बच्चे करें या जवान करें या जो भी करें, तो वो डांट पड़ती है उनको घर से, तो वो सब मुझे कोस रहे होते हैं। कोई ऐसा किरदार बताएं जो आपने निभाया हो और फिर पब्लिक में आके आपको ना उसका रिस्पांस मिला हो, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों का मुझे जिम्मेदार ठहराया जाता, हाँ, है, तो इस तरह कुछ एक्सपीरियंस हुआ। मैंने एक दिन कहा भी था अपने उसमें कि यार आप लोग जिम्मेदार ठहराते हो मुझे कि तुमने हमारे बच्चों को मशीन चलाना या बंदूक चलाना सिखा दिया, ये तुम क्या तरबियत दे रहे हो। तो मैं शिफ्ट हुआ, मैंने कहा ओके हम सीरियस ड्रामा नहीं करते, हम बदमाशी वाला ड्रामा नहीं करते, हम कॉमेडी करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने एक ड्रामा किया मामा खर्द पसूद है कि मामा आपका गधा कितने का, ओके वो ड्रामा किया, वो कॉमेडी था, वो सुपर दुपर हिट ड्रामा था। उसके बाद मैं थिएटर में खड़ा हुआ, मैंने कहा यार अब तो मुझे किसी ने नहीं कहा, हाँ, कि भैया अच्छा मारा खा बेटा जो है वो मैट्रिक में पढ़ रहा था, हाँ, वो तुम्हारा ड्रामा देखा तो उनसे गधा भेज वो एजुकेशन छोड़ के तो गधा खरीद लिया अपने लिए, इसका जिम्मेदार तो किसी ने नहीं ठहराया मुझे, बंदूक जो आप लोगों का शौक है वो मुझे ठहरा रहे हैं आप। इंटरेस्टिंग। अब इस स्टेज पर आके जहांगीर भाई माशाल्लाह 35-40 साल हो गए, आप कह रहे हैं कि हर तरह का ड्रामा जी, इस स्टेज पे आके फिर एक अदाकार जो है वो अपने आप को कैसे करंट रखता है, क्या सिर्फ पैसा ही एक अट्रैक्शन रह जाती है कि अच्छा भी पैसे दो काम कराओ, अच्छा भी पैसे दो काम कराओ। अब इस वक्त जहांगीर जानी का पैशन क्या है, वो क्या चीज़ है जो उसको सुबह उठ के कुछ नया काम करने पर मजबूर करती है? दोनों सूरतों में काम ही आपके काम आता है, वो चाहे शौक हो वो चाहे पैसा कमाना हो, दोनों सूरतों में आपका काम ही आपके काम आता है। पहले शौक था, अब मेरा कारोबार है, अब मेरा जरिया माश, सो दोनों सूरतों में मेरे लिए तो बेहतर है। मैं दोनों उसमें उसी जनून के साथ उसी शौक के साथ सुबह उठ के ये काम करता हूँ। ब्यूटीफुल। कुछ और नहीं किया जिंदगी में? नहीं, कोई मैं लाइफ में नहीं किया, ना कोई बिजनेस, ना कोई जॉब, कुछ भी नहीं। इन चीज़ों को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जैसे कहते हैं कि मैं महीने में एक या दो दिन घर गुजारता हूँ, फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? बस वो कुदरत एक आदत सी डाल दी है रब ने कि मतलब शादी से पहले भी मैं परदेस में ही रहा, मैं अपने घर में कम रहा, मैं बाहर ज़्यादा रहा, अगर मैं पिंडी में भी हूँ तो फिर नाना के घर कम रहा, दोस्तों के साथ ज़्यादा रहा, रात जहाँ पड़ गई वहीं सो गए, रात जहाँ पड़ गई वहीं सो गए, सुबह उठे मुँह हाथ धोए और निकल आए, मतलब इस तरह की ज़िंदगी वो बिगनिंग से स्टार्ट में से ही शुरू हो गई थी। सो अब उसमें कुछ मुझे वो दिक्कत नहीं होती कि यार मैं घर पे नहीं, मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ हूँ। मेरे बच्चे हैं वो पता नहीं एक दिन बड़े नज़र आने लगे मुझे, यार कौन है, बेटा है बड़ा हो गया, जवान हो गया, बेटी है जवान हो गई। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि यानी इतना कर्म है मेरे परवरदिगार का मुझ पर कि इस वक्त जो मैं बैठा हुआ हूँ जहांगीर जानी, ये नाना भी है और दादा भी है, माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह माशाल्लाह। तो आपके जो बच्चे हैं उन्होंने कैसे जहांगीर जानी की इस कहानी को लिया कि ना कभी स्कूल गए और अदाकारी की और बस जिंदगी में सिर्फ अदाकारी की और वक्त भी नहीं दे पाए, एक बाप की हैसियत से आप खुद कह रहे हैं? उनको गिला है, उनको गिला है और डेफिनेटली उनको गिला होना भी चाहिए, लेकिन वो इस बात को फील नहीं कर पाए कि अगर हमारा बाप हमसे दूर है तो हमारे लिए ही है, अगर हमारे पास होता तो हमारा था, हमसे दूर है तो हमारे लिए ही है। ये बात उनको शायद अब समझ में आ गई होगी। लेकिन आपकी जो शरीक हयात है, आपकी ज़िंदगी के साथी, उन पे भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बच्चों की तरबियत उनको बहुत बहुत बहुत, मैंने तो सिर्फ या कमाया होगा या भाग दौड़ के उनके लिए मेहनत की होगी, लेकिन उनकी परवरिश, उनकी तालीम, उनकी परवरिश, उनका बेहतर वो करना, वो उसी का कमाल है अल्लाह के बाद। आपके बच्चों में से कोई भी एक्टिंग की तरफ नहीं आया? नहीं, मेरा बेटा आया। आपका बेटा? हालांकि मुझे बचपन में कभी उससे नहीं कहा या जाहिर नहीं किया था, यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई, शादी तक कभी मुझे उन्होंने बताया नहीं था कि मुझे भी एक्टिंग का शौक है, मुझे एक्टर बनना है। आप घर गए होंगे तो बताता ना बेचारा, इंतजार ही करता था, जिस दिन हो गया अब्बा घर नहीं आए तो इस दफा बताऊं मैं। हाँ, तो वो तो अचानक ही एक दिन मुझे पता लगा कि आपका बेटा सीरियल कर रहा है। ओ, मैंने कहा अच्छा अच्छा, सजावल खान नाम है उसका, तो वो कराची से कर रहा है, काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? मैंने अभी देखा नहीं उसको ऑन एयर। अच्छा, अभी देखा नहीं, ऑन एयर देखा नहीं है,
लेकिन बेहतर ही होगा। सख्त है वैसे आप बच्चों से? नहीं। तो सिर्फ भाई, मैंने आज तक मेरे बच्चे पढ़े, मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने पायलट बनना है, कभी नहीं। नो बच्चे, आप पढ़ो, आप बेहतरीन तालीम हासिल करो, आपको जो बनना है वो आप बेहतर अपने लिए सेलेक्ट कर सकोगे। आपका दोस्त जो होंगे, आपके स्कूल का जो माहौल होगा, आपके दोस्त जो होंगे, आप उनमें उठते बैठते मुझसे ज़्यादा बेहतर जान पाओगे आप कि आपने क्या बनना है। सो आप बनो जो आपका दिल चाहता है वो बने। एंड फिर शादियाँ जब हुई तो मैंने कभी नहीं पूछा कि आपने यहाँ शादी नहीं करनी, वहाँ करनी है। अच्छा। मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, या बेटी से कहो मैं लड़का देखने जा रहा हूँ, लड़के को मिलवाओ। नो, आपको पसंद है ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको रुख्सत करना। अच्छा, बच्चों की मर्जी की शादियां किया? बिल्कुल मर्जी की शादी। और वो सही फैसले साबित हुए? वो हुए बिल्कुल, बेटे के लिए भी और बेटी के लिए। उन्होंने खुद से जो फैसला किया आपने कहा ठीक? मैंने कहा ठीक है जी, ओके, मेरी ये जिम्मेदारी थी कि आप लोगों को इज्जत से घर से रुखसत करें, सो बाकी नसीब अल्लाह है। भाई इतना लुत्फ आ रहा है जहांगीर भाई से बातों का कि एक्चुअली हमें वक्त गुजरने का पता नहीं लगा, और कंट्रोल रूम कह रहा है कि उनको भी पता नहीं लगा, उन्होंने सबने घड़ियां हमने देखी है तो पता लगा कि हम 4-5 मिनट ओवर कैरी कर गए। मास्टर कंट्रोल रूम कह रहा है भाई कुछ और भी चलाना है आज पीटीपी होम पे या नहीं। अच्छा, देखें बात से बात करते एक और नई स्टोरी एक्सप्लोर करने को मिल जाती है। एग्जैक्टली, आप पे वैसे फिल्म बननी चाहिए, खुद आपकी कहानी पे। नहीं, सीरियल बनेगी। सीरियल बनेगी? हां, फिल्म में नहीं समझी जाएगा। फिल्म में नहीं समझा। 16 एपिसोड का पूरा सीरियल? बिल्कुल बिल्कुल। हर मिड ब्रेक से पहले एक बैंग आएगा, एक नया मोड आएगा, एक वो होगा। जहांगीर भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू पीटीवी, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। आपका अपना घर है और बड़ा मजा आया आपसे बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। राइजिंग पाकिस्तान का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताइएगा। रुशना, छुट्टी टाइम है जी? बिल्कुल छुट्टी टाइम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।